देश में बढ़ते कोरोना के आंकड़े को देखते हुए गत दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ रविवार को लॉकडाउन के आदेश पारित किए गए। साथ ही विगत दिनों हुई आपदा प्रबंधन की बैठक में भी मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन करते हुए सर्वसहमति से रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया। उसी को लेकर वॉइस ऑफ एमपी की टीम ने कलेक्टर से खास चर्चा की, जहां उन्होंने लॉकडाउन को लेकर कहा कि शनिवार रात्रि 10 बजे से प्रारंभ होगा जो सोमवार के प्रातः 6 बजे तक रहेगा, जिसको लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है। दूध की आपूर्ति घर घर जाकर की जा सकेगी। डेयरी सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुली रहेगी। सब्जी मंडी, फलों की दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट, पान की दुकान, चाय ठेले सभी बंद रहेंगे। केवल आवश्यक कार्यों के लिए व्यक्ति आ जा सकेंगे। कल का लॉकडाउन सामान्य जैसे लॉकडाउन रहेगा, उसमें कोई आवश्यक वस्तुएं और आवश्यक चीज़ें सारी रहेंगी अवेलेबल। और क्योंकि पूर्व में हम लोगों ने सूचित कर दिया, तो मुझे नहीं लगता कि जनता को बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। नहीं, ज़िले में बढ़ रहा ही बात सही है, क्योंकि आवागमन, क्योंकि बॉर्डर का ज़िला है और काफ़ी बड़ा व्यापारी वर्ग रहता है और मंडी यहाँ के बहुत काफ़ी व्यापार मंडी के थ्रू होता है, तो उसमें क्लोज कांटेक्ट की वजह से, व्यापार की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ने की प्रवृत्ति ज़्यादा रहती है कोरोना की। लोगों को जागरूक किया जा रहा है और हम उसके ऊपर कार्रवाई भी कर रहे हैं धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि लोग जागरूक नहीं, वही मैं आपको कहा ना, मास्क सबकी जेबों में रहता है, पहनने में दिक्कत करते हैं। नहीं, अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है, क्योंकि लॉकडाउन अगर करते हैं तो एक दूसरा पक्ष भी रहता है जो दाढ़ी मजदूर हैं, दैनिक मजदूर हैं, तो उनको सब उनको और दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। तो लॉकडाउन बड़ा कठोर निर्णय रहता है और अगर ऐसा किया, अगर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो ज़रूर उस पर विचार किया जा सकता है उस पर, क्योंकि हम लोग को भी लॉकडाउन लंबा करने के लिए शासन से अनुमति लेनी पड़ती है। तो अगर ऐसा होगा तो फिर उस अगर बहुत ज्यादा बढ़ता है तो विचार जरूर करेगी सरकार इस बारे में। नीमच से मुश्ताक अली शाह की ये रिपोर्ट।